गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 2 अक्टूबर 2018 और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के करंट अफेयर का। आज के करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बन पाएंगे उनको डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट तक देखें। वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आंसर करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकें। तो शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो हाल ही में चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार 2018 किसने जीता है? तो हाल ही में चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार 2018 जीता है जेम्स पी एलिसन और तसाकू होंजो। किसने जीता है? जेम्स पी एलिसन और तसाकू होंजो, दोनों ने जीता है चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार 2018। अब इनको किसका ऋण मिला है ये? तो इन्होंने ऋणात्मक प्रतिरक्षा विनियमन के अवरोध से कैंसर थेरेपी की खोज की थी। तो इनको कैंसर थेरेपी की खोज के लिए ये चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार मिला है जेम्स पी एलिसन और तसाकू होंजो को, कैंसर थेरेपी की खोज के लिए। अब बात करें 2017 का चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार किसने जीता था 2017 का? तो बात करें 2017 की, तो 2017 में चिकित्सा का पुरस्कार जीता था तीन वैज्ञानिक थे, एक डब्ल्यू यंग, जेफरी सी हॉल और एक थे माइकल रोमबास। तो इन तीनों को मिला था 2017 का चिकित्सा पुरस्कार, डब्ल्यू यंग, जेफरी सी हॉल, माइकल रोमबास, तो तीनों को मिला था चिकित्सा पुरस्कार 2017। अब बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की। तो नोबेल पुरस्कार स्वीडन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। स्वीडन के थे ये वैज्ञानिक, तो इनके याद में दिया जाता है। 1901 में इसकी शुरुआत हुई थी नोबेल पुरस्कार के, और अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। और अल्फ्रेड नोबेल ने ही डायनामाइट की खोज की थी। तो डायनामाइट की खोज किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने। यह पुरस्कार शांति साहित्य भौतिकी रसायन चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्रों में दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार हैं। तो किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है? शांति साहित्य भौतिकी रसायन विज्ञान चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। तो चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार 2018 किसने जीता है? तो ये जीता है जेम्स पी एलिसन और तसाकू होंजो। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो हाल ही में आरबीआई ने करूर वैश्य बैंक पर जुर्माना लगा, 5 करोड़ का जुर्माना लगाया है। तो अभी ये जुर्माना क्यों लगाया है? तो आरबीआई ने करूर वैश्य बैंक पर अपने निर्देशों का गैर अनुपालन करने के लिए पाँच करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अब बात आइए करूर वैश्य बैंक की। तो करूर वैश्य बैंक की स्थापना हुई थी 1916 में, इसका हेड क्वार्टर है करूर तमिलनाडु में, और इसके वर्तमान एमडी एंड सीईओ ही है पी आर शेषाद्री। अब इसमें एक टर्म आई है आरबीआई, तो आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का हेड क्वार्टर है मुंबई में और आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है उर्जित आर पटेल। और ये कौन से नंबर के गवर्नर हैं? ये हैं 24वें नंबर के गवर्नर हैं आरबीआई के। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया गया 1 अक्टूबर को। ये मनाया गया है वृद्ध व्यक्तियों के योगदान को पहचानने और उनके जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दों की जांच करने के लिए। हर वर्ष 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया जाता है।
तो ये क्यों मनाया जाता है? ये वर्ध व्यक्तियों के योगदान को पहचानने और उनके जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दों की जांच करने के लिए 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वर्ध दिवस मनाया जाता है। अब इस बार के अंतर्राष्ट्रीय वर्ध दिवस की थीम क्या है? तो इस बार के अंतर्राष्ट्रीय वर्ध दिवस की थीम है सेलिब्रेटिंग ओल्डर ह्यूमन राइट चैम्पियंस। क्या है? सेलिब्रेटिंग ओल्डर ह्यूमन राइट्स चैम्पियंस। और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय वर्ध दिवस को मनाया गया है तो ये पहली बार मनाया गया था 1991 में। कब मनाया था? 1991 में। और 1 अक्टूबर को और एक दिवस मनाया जाता है, विश्व आवास दिवस, वर्ल्ड हैबिटेट डे। तो 1 अक्टूबर को ही मनाया जाता है विश्व आवास दिवस। तो विश्व आवास दिवस अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है और इस बार 1 अक्टूबर को ही था पहला सोमवार। तो यह दिवस अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है और पहली बार ये दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया था 1986 में। तो इस बार के विश्व आवास दिवस की थीम क्या है? इसकी थीम है नगर निगम टॉस अपशिष्ट प्रबंधन। क्या है इसकी थीम? नगर निगम टॉस अपशिष्ट प्रबंधन। और इसमें एक ऑप्शन दे रखा है 28 सितंबर। तो 28 सितंबर को मनाया जाता है विश्व रेबीज दिवस। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में जीएसटी के तहत आपदा कर के लिए पैनल का गठन किया है? तो किसके अध्यक्षता में? तो ये सुशील मोदी के अध्यक्षता में, जो इमेज में दिख रहे हैं यही है सुशील मोदी। और ये वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं सुशील मोदी। कौन है? उप मुख्यमंत्री हैं सुशील मोदी। और इन्होंने जीएसटी प्रबंधन के लिए आपदा कर के लिए पैनल का गठन किया है। तो ये क्या है? सुशील मोदी ने। अब बात आई है जीएसटी की। तो जीएसटी की फुल फॉर्म होते हैं गुड एंड सर्विस टैक्स। क्या होते हैं? गुड एंड सर्विस टैक्स। और जीएसटी कब लागू किया था भारत में? किया गया था, तो ये किया गया था 1 जुलाई 2017 को। तो जीएसटी दिवस को मनाया गया तो 1 जुलाई को मनाया जाता है जीएसटी दिवस। तो इंडिया में, इंडिया का पहला राज्य कौन सा है जिसमें जीएसटी सबसे पहले लागू किया गया? तो ये किया गया असम में। तो असम पहला राज्य था इंडिया का। और विश्व में जीएसटी सबसे पहले किस देश में लागू की गई? तो फ्रांस में लागू की गई सबसे पहले जीएसटी। तो ये की गई 1954 में फ्रांस में। और भारत में सबसे पहले किस राज्य में की गई? तो ये की गई असम में। और संविधान के कौन से अनुच्छेद में जीएसटी का वर्णन है? तो संविधान के 279A अनुच्छेद में जीएसटी का वर्णन है। कौन से अनुच्छेद में? 279A अनुच्छेद में। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में भारत की पहली व्यापक शहर स्तर बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणाली कहाँ लॉन्च की गई है? तो ये की गई है कोलकाता में। तो हाल ही में भारत की पहली व्यापक शहर स्तर बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी प्रणाली की गई है कोलकाता में। कोलकाता नगर निगम ने कोलकाता शहर के लिए एक बाढ़ पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली लॉन्च की है। अब इससे होगा क्या? इससे आर्थिक नुकसान और आजीविका पर असर कम हो जाएगा। इससे आर्थिक नुकसान कम होगा और आजीविका पर भी असर कम हो जाएगा। और कोलकाता नगर निगम ने इससे एडीबी बैंक की सहायता से डिजाइन किए हैं। तो किसकी? एडीबी बैंक की सहायता से। तो अब बात करते हैं एडीबी बैंक। तो एडीबी बैंक की फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी बैंक की स्थापना हुई थी 1966 में। कब हुई थी? 1966 में। एडीबी बैंक का हेड क्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। और एडीबी बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं ताकेहिको नकाओ। अब आता है कोलकाता। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। मैप में देखिए ये यहाँ पे है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। और कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है कोलकाता। कोलकाता बसा हुआ है हुगली नदी के किनारे। और कोलकाता पश्चिम बंगाल के वर्तमान सीएम है ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल की गवर्नर है केसरीनाथ त्रिपाठी।
तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में गोवा और किस देश के बीच जल और सीवेज प्रबंधन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो हाल ही में गोवा और किस देश के बीच जल और सीवेज प्रबंधन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये किए गए हैं पुर्तगाल। तो गोवा और पुर्तगाल के बीच जल और सीवेज प्रबंधन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब बात आई है पुर्तगाल की, तो पुर्तगाल की बात आई पुर्तगाल की, तो ये मैप में ये रहा पुर्तगाल, यहाँ पे पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन। कहाँ है? लिस्बन। और पुर्तगाल की मुद्रा है, करेंसी है यूरो, और पुर्तगाल के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर हैं एंटोनियो कोस्टा। तो गोवा ने पुर्तगाल के साथ जल और सीवेज प्रबंधन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये गोवा में अपने जल संसाधनों को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने में मदद करेगा। तो ये गोवा में अपने जल संसाधनों को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने में मदद करेगा। अब आता आइए गोवा की, तो यह रहा गोवा मैप में। तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है गोवा। गोवा की कैपिटल है पणजी। गोवा के वर्तमान सीएम है मनोहर परिकर और गवर्नर हैं गोवा के मृदुला सिन्हा। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में नाफ्टा में सुधार के लिए यूएस और किस देश ने व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में नाफ्टा में सुधार के लिए यूएस और कनाडा ने व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब एक टर्म आई है नाफ्टा, तो नाफ्टा की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्या होती है? नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, हिंदी में कहें तो उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता। उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता। तो हाल ही में उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर सुधार के लिए यूएस और कनाडा ने व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब बात आइए कनाडा की, तो ये रहा मैप में कनाडा। कनाडा की कैपिटल है ओटावा। कनाडा की करेंसी है कनेडियन डॉलर और कनाडा के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो। कौन है? जस्टिन ट्रूडो। और अब बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की, यूएस की, तो ये रहा मैप में यूएस अमेरिका। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी और करेंसी है अमेरिका की अमेरिकन डॉलर और वर्तमान प्रेसिडेंट है अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाए गए हैं 30 सितंबर को। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाए गए हैं 30 सितंबर को। 30 सितंबर सेंट जेरोम बाइबल के अनुवादक का पर्व मनाया जाता है। कौन थे? सेंट जेरोम। ये बाइबल के अनुवादक थे, इन्होंने बाइबल का अनुवाद किया था और इन्हें अनुवादकों का संरक्षक संत भी कहा जाता है। तो इन्हें कहा जाता है अनुवादकों का संरक्षक संत। किसे कहा जाता है? सेंट जेरोम को। इन्होंने बाइबल का अनुवाद किया था। तो 30 सितंबर सेंट जेरोम बाइबल के अनुवादक का पर्व मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। अब इस बार के अनुवाद दिवस की थीम क्या है? तो इसकी थीम थी ट्रांसलेशन प्रोमोटिंग कल्चरल हेरिटेज इन चेंजिंग टाइम्स। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, इसकी थीम है ट्रांसलेशन प्रमोटिंग कल्चरल हेरिटेज इन चेंजिंग टाइम्स। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस को मनाए गए, तो ये मनाए गए 30 सितंबर को। अब 16 सितंबर एक ऑप्शन दे रखा है 16 सितंबर, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस और 28 सितंबर को मनाया जाता है विश्व रेबीज दिवस। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
हाल ही में पंडित तुलसीदास बोरकर का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो ये एक प्रसिद्ध हारमोनियम वादक थे जिनका 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, पंडित तुलसीदास बोरकर। इनका जन्म गोवा में हुआ था और इनको 2016 में पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। तो 2016 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तुलसीदास बोरकर को, और इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्तकर्ता भी थे। ये संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्तकर्ता भी थे पंडित तुलसीदास बोरकर। तो इनका निधन हो गया है अभी। तो ये थे प्रसिद्ध हारमोनियम वादक जो इमेज में दिख रहे हैं, यही हैं तुलसीदास बोरकर। हाल ही में इसका निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस देश में भारतीय दूतावास में आयुष सूचना कक्ष स्थापित किया है? तो ये किया है रोमानिया में। आयुष मंत्रालय ने आयुषी प्रणाली के बारे में जानकारी प्रसारित करने और रोमानिया में आयुर्वेद अभ्यास को प्रोत्साहित करने के लिए रोमानिया में भारतीय दूतावास के परिसर में आयुष सूचना कक्ष स्थापित किया गया है। तो आयुष प्रणाली के बारे में जानकारी प्रसारित करने और रोमानिया में आयुर्वेद अभ्यास को प्रोत्साहित करने के लिए आयुष सूचना कक्ष स्थापित किया गया है रोमानिया में। अब बात आइए आयुष की, AYUSH। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है आयुर्वेदा, योगा और नेचुरोपैथी, यूनानी, सिंध, होम्योपैथी। तो इसकी फुल फॉर्म होती है एमिस आयुर्वेदा, वाईमिस योगा और नेचुरोपैथी, और यूमिस यूनानी, एसमिस सिंध और एचमिस होम्योपैथी। तो आयुष की फुल फॉर्म होती है ये। अब बात आई है रोमानिया की, तो मैप में ये रहा रोमानिया। रोमानिया की कैपिटल है बुचारेस्ट। क्या है? बुचारेस्ट। रोमानिया की करेंसी है रोमानियन ल्यू और रोमानिया के वर्तमान प्रेसिडेंट है क्लाउस लोवानिस। कौन है? क्लाउस लोवानिस। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में SATAT पहल की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? तो ये की है पेट्रोलियम मंत्रालय ने। तो हाल ही में SATAT पहल की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? तो ये की है पेट्रोलियम। अब ये SATAT क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवार्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। क्या है इसकी फुल फॉर्म? सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवार्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। अब इस पहल में वाहन उपभोक्ताओं के साथ साथ किसानों और उद्यमियों को दोनों को फायदा होगा। इस पहल में वाहन उपभोक्ताओं के साथ साथ किसानों और उद्यमियों दोनों को फायदा होगा। अब बात आइए पेट्रोलियम मंत्रालय की, तो वर्तमान पेट्रोलियम मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने किए ये जो इमेज में दिख रहे हैं यही है धर्मेंद्र प्रधान और ये वर्तमान में हमारे प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम मंत्री हैं। तो इन्होंने SATAT पहल की शुरुआत की है, तो ऑप्शन सी पेट्रोलियम मंत्रालय। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने महात्मा गांधी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है गुजरात में। हाल ही में महात्मा गांधी संग्रहालय का उद्घाटन किया है गुजरात के राजकोट में उद्घाटन किया है महात्मा गांधी संग्रहालय का। किसने किया है? और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। अभी हमारे नरेंद्र मोदी गुजरात में गए हुए हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी परियोजनाओं का उद्घाटन किया है और एक परियोजना का उद्घाटन किया था। इसके अलावा यहीं पर गुजरात के आनंद ज़िले में एक अत्याधुनिक अमूल चॉकलेट संयंत्र का उद्घाटन किया था
नरेंद्र मोदी ने, तो और 190 करोड़ के निवेश के साथ, कितना खर्चा हुआ था, 190 करोड़ के निवेश के साथ एक अत्याधुनिक अमूल चॉकलेट संयंत्र का उद्घाटन किया था आनंद जिले में, गुजरात के में। अब बात आई है गुजरात की, तो मैप में ये रहा गुजरात, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, गुजरात के सीएम है, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और गवर्नर हैं ओपी कोहली, ओम प्रकाश कोहली। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है, तो ये किया है गुजरात में। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर, तो हाल ही में भारत के पहले मकई महोत्सव की शुरुआत किस राज्य में हुई है, तो ये हुई थी मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा ज़िले में पहले मकई महोत्सव की शुरुआत हुई थी। सभी ने कमेंट बॉक्स में आंसर डिटेल के साथ लिखे हैं, ऐसे ही आगे भी लिखते रहें। और आज के वीडियो का क्वेश्चन, हाल ही में लास्ट वीडियो का आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कचरा प्रबंधन पर जागरूकता फैलाने के लिए स्वच्छ गंगा अभियान का नेतृत्व कौन करेंगे, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और डिटेल के साथ लिखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकें। लास्ट वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा हो तो इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो आपके लिए, आने वाले एग्ज़ाम के लिए, करंट अफेयर के लिए बहुत उपयोगी होगा। तो थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।